सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो पे जो रिएक्शन है वो केडीके जो पार्ट टू जो आया है उस पर हम रिएक्शन देंगे। पार्ट फर्स्ट पे हम रिएक्शन दे चुके हैं, बहुत ही कमाल का जो कि हमें उस गाने के अंदर लिरिक्स सुनने को मिले हैं। सो जैसे कि इस गाने का नाम है क्रिएटर भोला, ऑफिशियल भोलेनाथ सॉन्ग, घानू की जो है इसमें म्यूजिक है। सो हम गाने को चेकआउट करते हैं कि केडी जो है दूसरे पार्ट में क्या कुछ लेकर आए, तो वीडियो शुरू करते हैं। उसे ने बनाए मेरे आत्मा शरीर, उसे ने बनाई है या मेरी तकदीर, उसे ने लिखा है मेरा कर्मा का लेख, और उसे ने बनाई है ये हाथा की लकीर, उसे ने बनाया है यो रुतबा मेरा, उसे ने बनाया है यो रुतबा मेरा, और उसे ने बनाई मेरी दुनिया मशान। बस बाबा के लड़े जाओ बातचीत ठीक, बाकी दे सकत रूठ जाओ सारा यो जहान, मेरी भोले के लड़े जाओ बातचीत ठीक, बाकी दे सकत रूठ जाओ सारा यो जहान, मेरी बाबा के लड़े जाओ बातचीत ठीक। कोनी मांगदा रे माया कोनी मांगदा, बड़ी बड़ी कोठियां की छाया कोनी मांगदा, जिसा मैं बनाया तन्ने उससे मैं हूँ राजी, कोई सोना रंग रूप और काया कोनी मांगदा, एक चीज मांगू मन्ने शंभू ते मिला दो, फिर बेसकत काट लो शरीर ते आजान, मेरी बाबा के लड़े जाओ बातचीत ठीक, बाकी बेसकत रूठ जाओ सारा यो जहान, मेरी भोले के लड़े जाओ बातचीत ठीक, बाकी सकत रूठ जाओ सारा यो जहान, मेरी पापा के लड़े जाओ बातचीत ठीक। ओए तकत ना ताज चाहिए, राजा का ना राज चाहिए, गाड़ी ना बजाज चाहिए, टाटा ना बजाज चाहिए, मूड ना कोई ब्याज चाहिए, कल जैसा आज चाहिए, बुलंद आवाज चाहिए, खान जोगा नाज चाहिए, रोज का रियाज चाहिए, नए अल्फाज चाहिए, बाजने ये साज चाहिए, बैरिया का खाज चाहिए, एक चीज मांग के डिया जोड़ के नाराज चाहिए, वो तेरा चिल्ला तेरी दया ते चढ़ाई करे बाबा, सारे बैरिया की फैल रे पढ़ाई करे बाबा, मन काट के बगानी है मरोड़ उन लोगों की जो फुकरे या खुद की बड़ाई करे बाबा, बैठ गया जे सूत सारा छांग दूंगा, तूत सा मैं काट दूंगा, भूत सा जो करे ये ऐलान, मेरी बाबा के लड़े जाओ बातचीत ठीक, बाकी बेसकत रूठ जाओ सारा यो जहान, मेरी भोले के लड़े जाओ बातचीत ठीक, बाकी बेसकत रूठ जाओ सारा यो जहान, मेरी बाबा के लड़े जाओ बातचीत ठीक, बाकी बेसकत रूठ जाओ सारा यो जहान, मेरी भोले के लड़े जाओ बातचीत ठीक, बाकी बेसकत रूठ जाओ सारा यो जहान, मेरी बाबा के लड़े जाओ बातचीत ठीक। भाई क्या हुआ, बहुत परेशान लग रहे हो? ना कुछ नहीं भाई। कुछ परेशानी है तो बताओ। इसमें तुम नके दिखे है। भोले बाबा है भाई, मन्ना नहीं दिखाई दे रहे। क्यों नहीं दिख रहा भाई आपको? भगवान ने आंखें दी है, खोल के देखो भाई। जब से आंख दी है ना तब से नहीं दिखाई दे रहे, उससे पहले बाबा मैंने साफ दिखे थे। देवता का दर्शन या तो ज्ञान नेत्र से ही होता है। सो भाई ये बात बिल्कुल सही है कि देवता का दर्शन जो है वो ज्ञान नेत्र से ही होता है, यानी कि जरूरी नहीं है हमारी आंखें हो हमें तभी वो चीज़ें दिखे, यानी कि दिव्य दर्शन उन चीज़ के हो। जब एडी के आँख नहीं थी, जब उनके पास नेत्र नहीं थे, तो उनको जो है भोले बाबा जो है क्लियर दिखते थे, बिल्कुल क्लियरली उनके जो है दर्शन उनको मिलते थे। बट अब उनकी इस सेकंड पार्ट में जो कि हमें देखने को मिला है, आँख आ गई है बट उनको जो है
अपनी खुद की ही फोटो जो बनाई हुई है वो उसमें जो है भोले बाबा नहीं दिख रहे, जबकि उनकी आंख आ गई है और वो आंख जो है भोलेनाथ की वजह से ही आई है। सो एक होता है कि हमें ऊपर वाला जो है उस चीज से एक कहते हैं ना एक अलग तरीके से नवाजता है कि हाँ अगर ये मेरी इतनी परवाह करता है तो मैं उसको आंख क्यों ना दूँगी ताकि ये मुझे देख सके और मेरी जो है मुझे पूछ सके और मुझे जान सके, कहते हैं ना। तो वो चीज़ जो है इस गाने के अंदर दिखाई गई है। बट जो दिव्यता का दर्शन होता है ना वो ज्ञान नेत्र से ही होता है, तो वो चीज़ इस गाने को बिल्कुल ही बहुत बखूबी तरीके से जो शो कर रखा है वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। सारा संसार रूठ जाए पर भोले बाबा जो है भोलेनाथ जो है वो मुझसे ना रूठे, और ये एक वही वाली फीलिंग है कि जो एक कनेक्शन होता है वो बस दोनों के बीच में होता है, ऊपर वाले के और जो केडी है उनके बीच में, जो कि हमें इस गाने के अंदर देखने को मिला है। और बोल सकती हूँ कि पहला पार्ट भी था जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और ये सेकंड पार्ट भी जो केडी लेकर आया है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। काफ़ी अच्छे लगे इस गाने के लिरिक्स, और साथ ही साथ केडी का जो रैप होता है उसकी बात ही अलग है, क्योंकि केडी रैप तो करते हैं पर रैप में जो लिरिक्स लेकर आते हैं जो वर्ड्स लेकर आते हैं बहुत ही अलग कमाल के होते हैं। सो जैसे कि यहाँ पर केडी ने एक बात और बोली थी कि कोठी नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, रूप रंग नहीं चाहिए, बस चाहिए तेरा साथ, और बस तू हो साथ में तो बस और कोई नहीं चाहिए, बस तेरी ही एक आस है, तेरा ही एक लगन है तेरी कि तू बस मिल जाए, तू मिल जाएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। सो बस इस गाने के अंदर यही था कि जब आंखें नहीं थी तो तब जो है भोले बाबा के जो है दर्शन होते थे, और अब आंख आ गई है तो वो एक दर्शन ही नहीं होते, वो दिख ही नहीं रहे हैं। सो वो चीज़ जो है एक डिफरेंट तरह का जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर केडी ने हमें शो किया है वीडियो के थ्रू, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। काफ़ी अच्छे लगे इस गाने के लिरिक्स जो कि केडी के होते ही है, और साथ ही साथ रैप भी। सो बस मुझे ये गाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी अच्छे लगे इस गाने के बीट्स और म्यूज़िक। और आप बताइए आपको ये मेरा रिएक्शन कैसा लगा और ये गाना जो है कैसा लगा। जब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।